अगर जल्दी से मार्केट का रिकैप ले लें किस तरह से मार्केट में कारोबार हुआ था पिछले हफ्ते के दिन यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन की, तो आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर बात करें 15,435 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें 51,422 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। इस वक्त जब हम वीडियो तो आप देख पाओगे ग्लोबल मार्केट या फिर एसजेएक्स निफ्टी आपको न्यूट्रल तो रेड की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी ऊपर के पॉइंट से 63 पॉइंट डाउन कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इस वक्त तो हमें दिख रहा है 15,429 के आसपास। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो आज आएंगे 15,400, तो एक शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो बड़ा ही इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए होंगे वो होंगे 15,300 के आसपास। यहां से जो दिखेंगे 15,300, 15,250 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी जब भी अगर आता है यहां तक टेस्ट करता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अभी भी जो ये अप ट्रेंड है अभी वो खत्म नहीं हुआ है, यहां से अभी भी कुछ इसमें गैस बची हुई है, तो डेफिनेटली हमें अच्छे से अच्छे लेवल्स पे मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें उनके ऊपर फोकस कर रहना चाहिए। आज के दिन ये भी हो सकता है कि निफ्टी यानी इंडेक्स तो आपको रेड में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो है स्टॉक्स के ऊपर एक्शन भरपूर रह सकता है, ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। इंडिया वीक्स तो काफी कंफर्टेबल, तो इस तरफ से तो हमें कोई टेंशन की बात है नहीं। वहीं अगर बात करें क्रूड ऑयल नेचुरल गैस गोल्ड के ऊपर, यानी आपको न्यूट्रल तो रेड की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर में हल्के से आपको फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उनके ऊपर आपका एक्शन उसी तरह से होता है जिस तरह से ये होते हैं। वहीं बात करें करेंसी मार्केट 72.44 के आसपास है, सारे के सारे रेड निशान में आ रखे हैं आज के दिन। वहीं बात करें किस तरह से जैसे हमारी बात हुई थी फ्राइडे के दिन, ये थर्सडे के दिन हुई थी एक्सपायरी के दिन एफआईएस हो सकता है जो रेड निशान है, ये एक्सपायरी के लिए कुछ सेटलमेंट के लिए हो सकता है, नेक्स्ट दिन हमारे लिए ग्रीन आते हुए दिख सकता है। कुछ वैसे ही हुआ, अगेन उनकी तरफ से परचेज आई है, साथ ही उनके जो भाई हैं छोटे भाई आप कह सकते हो डीआईएस ने भी मिलकर खरीदा है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन हो जाते हैं वहां से। वहीं बात करें महाराष्ट्र में एक लॉकडाउन हो चुका है अगेन, जो उस चीज को उसको बढ़ा दिया, जो एक न्यूज है हम सभी को जानना है, अगेन इसको जून 15 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑल्दो कुछ जो स्टेट्स हैं वहां रिलैक्सेशन दिया है जहां थोड़ा सा कम केसेस हो रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वहां काफी सारा अभी भी केसेस उतनी कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत कंट्रोल में हो रहे हैं। जिन कंपनीज के रिजल्ट आज के दिन आने हैं Q4 के, तो आप देख पाओगे और अरविंदा फार्मा के और उसके बाद जमुना ऑटो के हैं, तो इनसे हनीवेल ऑटोमेशन के हैं, तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हो। आज के दिन जिनके ऊपर रिजल्ट आ चुका है या फिर जिनके ऊपर एक्शन रहेगा, तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का आएगा। कंपनी जो पेट इस बार बढ़ के आया है 163 करोड़ आया है मार्च 31 में, जो पिछले साल था -3,255 के आसपास था, वहां से पॉजिटिव आया है 163, तो यहां से एक पॉजिटिव साइन हो चुका है। पिछले संडे स्पेशल के वीडियो में ये एक रिकमेंडेड हुआ, वहां से एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, अभी भी इसमें कुछ अपसाइड बची हुई है। अगले बात करें डिवीज लैब, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ चुका है, अच्छे इसके रिजल्ट है आज के दिन, इसमें कुछ अपमूव देखेंगे, पूरी एक्सपेक्टेशन बनी है, लेकिन देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से लेता है। अदरवाइज क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा ही किया है। वहीं बात करें अगले जो रिजल्ट आया है डेनमार्क फार्मा से है, द डग फर्म है रिपोर्टेड 6.15% राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो यहां से हमारे लिए जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको नजर जरूर आ रहा है। इस बार 233 करोड़ का है मार्च 21 में, जो पिछले बात है 220 यानी 220 से 233 के आसपास संभव इसमें एक जंप आपको नजर आ रही है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने जो रिपोर्ट किया है अपना रिजल्ट, वो नेट लॉस किया है यानी 1047 सीआर के आसपास किया है, जो पिछले साल जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 507 करोड़ पॉजिटिव में, तो वहां से आपको ये नेगेटिव होते हुए नजर आ रहा है, मार्केट पनिश करने में छोड़ेगी नहीं। वहीं अगला जो रिजल्ट निकल गया फोर्टिस हेल्थ केयर से, हेल्थ केयर सर्विस कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 62.36 करोड़ इन मार्च 31, यानी अभी जो आए हैं वो आए हैं 62 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार थे 41.24 नेट लॉस था, तो आप समझ सकते हो -41 सीआर से अभी आए हैं 62, तो यहां से किस तरह से हेल्थ कंपनीज को फायदा हुआ है आपको क्लियरली नंबर के फॉर्म में दिख रहा है। सुंदरम फाइनेंस एनबीएफसी ने जो रिपोर्ट किए हैं नेट प्रॉफिट जो है 270 करोड़ की है, यानी जो उनका नेट प्रॉफिट हुआ 38% के जंप हुआ है, जो एक अच्छी बात हो जाती है, पिछले साल था 195 और अभी आया है 270 सीआर। अगले एफले के जो शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं ये तो हम सभी जानते हैं, ये एक एडवर्टाइजिंग फॉर्म है, तो इन्होंने जो अच्छे खासे इनको प्रॉफिट में 58.7 करोड़ का इनका जो जंप आया है इस बार, जो पहले था 20 करोड़ यानी 20 से 58 आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा दिख रहा है, तो आज के दिन हो सकता है कुछ बड़ा इसमें एक्शन भी हो सकता है। अगले बात करें मैक्स हेल्थ केयर,
इनका भी जो रिजल्ट आया है वो 31.11% के आसपास की जंप आई है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। हेल्थ केयर के हमने फोर्टिस हेल्थ केयर देखा, मैक्स हेल्थ केयर है, इनके में भी अच्छे रिजल्ट हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इनके ऊपर न्यूज यह है कि द प्राइवेट लेंडर सेट इट बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ रेजिंग कितना 5000 करोड़ बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटी। मतलब ये कंपनी जो है अपनी जो 5000 करोड़ की जो उसको अप्रूव कराना रेज करना चाह रही है इश्यू करा के बॉन्ड को, तो इसके ऊपर भी आज न्यूज हो सकती है, न्यूज के बेसिस पे एक्शन हो सकता है। अगली न्यूज निकल के आ रही है भारतीय एयरटेल के, द लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर सेड इट अपग्रेड इट्स मोबाइल नेटवर्क इन द नॉर्थ ईस्ट बाय एडिंग 10 मेगाहर्ट्ज़ तो आप स्पेक्ट्रम, तो आप समझ सकते हो यहां से थोड़ा स्पेक्ट्रम के ऊपर ध्यान और दिया जा रहा है जिससे कि क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर या फिर एक्सपीरियंस को थोड़ा और अच्छा बना सके फॉर द कस्टमर के लिए। नेक्स्ट खबर निकल के आ रहा है जाइडस कैडिलर से लेकर, आप यहां देख पाओगे क्लियरली पढ़ पाओगे तो अभी तक जो क्या है कि 18 प्लस और 45 प्लस के लिए दवाइयां हैं अवेलेबल है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए अभी भी उस तरह से नहीं है। अभी जो जाइडस कैडिलर है वो नाउ प्लानिंग टू टेस्ट इट्स कोविड 19 वैक्सीन फॉर 5 to 10 ईयर, इन्हें छोटे बच्चों के लिए भी ये चीज शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से इसके ऊपर भी एक न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज काफी टाइम से बनी हुई है, इसके ऊपर भी एक्शन रह सकता है। अगला जो आ रहा है डीओटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने आज कहे कि जितने भी टेली कंपनीज उन लोगों के टेस्ट 5G ट्रायल इन रूरल एरियाज आल्सो, और इसमें MTNL में जॉइन ट्रायल सुन, तो इस तरह से जो अभी जो 5G की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मार्केट में या फिर आप कह ले रूरल एरियाज में, उस तरह से काम नहीं होता अभी भी 5G या 4G 3G भी ठीक से पकड़ता नहीं है, तो इसीलिए आप DOT ने एक इनको बोला है कि आप उसके ट्रायल यहां भी कीजिए किस तरह से काम करता है ताकि एक रिपोर्ट अच्छे से मिल सके। तो ऐसे में अगर DOT ने बोला तो सारे के जितने भी हमको ये दिखे हैं टेलीकॉम कंपनी सभी को इफेक्ट सभी को ट्रायल करना होगा, और जिसका जितना बेहतर नेटवर्क उसी का हिसाब से रिजल्ट भी आएंगे। तो ऐसे में नाम रिलायंस जियो का भी आ रहा है, रिलायंस जियो विल कंडक्ट ट्रायल यूजिंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी एज वेल एज सैमसंग नेटवर्क, तो आप समझ सकते हो इनका सैमसंग के साथ ऑलरेडी पार्टनर है, पार्टनरशिप में है, तो इस तरह से जिस तरह से हमने पिछले रैली देखी थी पिछले दिन का, यानी बिग बॉय अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, इसमें एक अच्छी लंबी रैली देखी जा सकती है। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है, RBI ने इम्पोज किया है 10 करोड़ पेनल्टी ऑन HDFC बैंक, कुछ इन्होंने जो ऑटो लोन है उसके साथ कुछ थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, उसके जब उन्होंने बुक्स देखी है तो वहां के बेसिस पे कुछ इनके ऊपर इम्पोज किया है 10 करोड़ की पेनल्टी। इस न्यूज के चलते ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, और ये भी अगर आता है तो डेफिनेटली एक हैवी वेट है ये भी, तो डेफिनेटली इंडेक्स को भी और नीचे ला सकता है आज के दिन, तो ऐसे में लेवल्स काफी अच्छे आ सकते हैं अभी 1500 के आसपास रफली है उसके आसपास, इसी अगर ये मिलता है 1450 या फिर अगर इतनी गिरावट आ जाती है कि 1400 के आसपास, तो डेफिनेटली एक लेवल हो सकता है जहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट इस मॉर्निंग अपडेट की जो खबर होगी आदित्य बिरला फैशन से, ये एक इस संडे का सुपर संडे का या फिर आप संडे स्पेशल का कह सकते हो, उसमें भी टॉप 10 में ये शेयर शामिल है, इसके जो रिजल्ट आए 51% की ग्रोथ है Q4 में, प्लस चार्ट पे अगर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो हमने कल के जो संडे स्पेशल था उसमें शेयर किया था, तो इसलिए ये शेयर भी आज के दिन रडार पे हो सकता है। चलिए हमने कुछ सारे अच्छे जो शेयर है उनको डिस्कस किया, कुछ न्यूज है उनको भी डिस्कस किया, देखेंगे किस तरह से मार्केट अगर डिप देता है किस तरह से अपॉर्चुनिटी देता है आज के दिन, लेकिन जो स्टॉक है उनमें एक्शन भरपूर रह सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। बहुत सारे लोगों को जो आज हम वीडियो पोस्ट करते हैं 2 या 3 दिन के बाद उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो YouTube की तरफ से हो रहा है, या अगर आपको क्या करना है आपको जो भी बेल आइकन है आप उसको प्रेस करके रखिए, अदरवाइज कुछ बहुत सारे लोग कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तभी मुझे लगा आप सभी को एक बार शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। संडे का मॉर्निंग अपडेट आपको मिल रहा है, मॉर्निंग अपडेट जो है वो ट्यूजडे की मॉर्निंग में या फिर दिन में मिल रहा है, तो किसी काम का नहीं। अगर हम कोई शेयर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं आज के लिए, वो 3 दिन के बाद मिला या फिर वहां से बढ़ चुका है या फिर गिर चुका है, तो इसलिए आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना है। थैंक यू सो मच।